बनारस के घाटों मंदिरों पर ओली के विरुद्ध चस्पा किए गए पोस्टर, जहां नेपाल के प्रधानमंत्री का अयोध्या पर बयान देना भारी पड़ गया है। इसका विरोध नेपाल में तो हुआ ही, भारत में भी संत समाज, राजनीतिक संगठन और गैर राजनीतिक संगठन के साथ साथ आम लोग भी ओली से नाराज हैं। ओली के बयान पर विश्व हिंदू सेना ने कड़ी आपत्ति जताते हुए चेतावनी भरा पोस्टर बनारस के सभी घाटों मंदिरों व उन इलाकों में लगाया है जहां नेपाली रहते हैं। पोस्टर में चेतावनी दी गई है कि ओली अपने गलत बयान पर भारतवासियों से माफी मांगे और अपना बयान वापस लें, अन्यथा इसका परिणाम भारत में रहने वाले नेपालियों को भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि भारत नेपाल मैत्री संबंध सदियों से चला आ रहा है और इसमें काशी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। काशी में पशुपतिनाथ की तर्ज पर विशाल एवं ऐतिहासिक मंदिर है, तो हजारों की संख्या में नेपालियों की पीढ़ियां यहां से रहती आ रही हैं। यही नहीं, आज भी नेपाल से लोग यहां सीधे व्यापार करने आते हैं, तो वहीं धार्मिक आस्था भी जुड़ी हुई है। काशी में नेपालियों का एक अलग मोहल्ला है जहाँ भारी संख्या में नेपाली निवास करते हैं। अगर कहा जाए कि पीढ़ियों से यहाँ वास करने वाले नेपाली काशी का एक अंग है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। विश्व हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण पाठक का कहना है कि ओली का बयान बचकाना और निंदनीय है। उन्हें पता है कि अयोध्या कहाँ है, लेकिन वो चीन के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली बन गए हैं और भारत विरोधी घृणित कार्य कर रहे हैं और नेपाल को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। ऐसे में नेपाल के पीएम ओली का बयान निंदनीय है। विश्व हिंदू सेना निंदा करने के साथ साथ उनको चेतावनी देता है कि अगर वो अपना बयान तत्काल वापस नहीं लेते हैं तो यहाँ रह रहे नेपालियों को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसके जिम्मेदार खुद ओली होंगे।